नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, कन्या लग्न के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो लोग कुंडली सीख रहे हों या कन्या लग्न के हों, उनके लिए जो टॉपिक है अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत सरल तरीके से आपको समझाने जा रहा हूं। ये सीरीज जिसमें मैं सभी लग्न के बारे में बता रहा हूं, उदाहरण कुंडली को लेके, ताकि आप ज्योतिष भी सीख सकें और कन्या लग्न के अगर हैं तो भी आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। चर्चा करेंगे आज कन्या लग्न की विशेषताएं, कौन से ग्रह योग कारक होते हैं जिनकी दशांतर दशा में आपको फायदा होगा, भाग्य आपका साथ देगा, किसकी दशा में आपको दिक्कत होगी, कौन से ग्रह आपको खराब फल देंगे जिसके आपको उपाय करने होंगे, जो ग्रह अच्छे हैं योग कारक हैं उनके आप रत्न धारण कर सकते हैं वो कौन से होंगे, कौन से दिन आपके लिए अच्छे होंगे, कौन से दिन, कौन से तिथि और कौन से कलर, कुंडली के माध्यम से कैसे जाने, यही तमाम जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक संपूर्ण कुंडली कैसे देखते हैं काफी हद तक आपको समझ में आ जाएगा। चर्चा करते हैं कन्या लग्न के बारे में। देखिए, बहुत डेप्थ में नहीं बताऊंगा, मोटे तौर पे बताऊंगा ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। कन्या लग्न, बुध का सहभाव, कन्या लग्न का मतलब ये बुध की राशि होती है तो बुध का सहभाव आता है ऐसे जातकों में जो कन्या लग्न के होते हैं, तो बहुत बुद्धिमान होते हैं क्योंकि बुध का प्रभाव आएगा, तो बुद्धिमान, बहुत अच्छी भाषा बोलने वाले और व्यापार की दृष्टि से बहुत अच्छे आकर्षक पर्सनैलिटी होती है ऐसे व्यक्ति की, क्योंकि बातें बहुत अच्छी करते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कुंडली के अंदर ग्रह, इसके बारे में बात करते हैं। तो अब देखिए, कुंडली के बारे में डिस्कस करेंगे कौन से योग कारक ग्रह बनेंगे और कौन से मारक ग्रह बनेंगे। तो देखिए, पहले कन्या लग्न को कैसे समझें, तो पहले भाव में अगर 6 लिखा है, लग्न में 6, तो समझ लीजिए कन्या लग्न। अब बुध देव के 2 भाव होते हैं, डेप्थ में नहीं बता के मोटे तौर पे आपको बताने जा रहा हूं ताकि सारी चीजें कवर हो जाए। तो बुध देव के 2 भाव होते हैं क्योंकि उनकी 2 राशि होगी, तो एक तो लग्न का भाव होने मिला, दूसरी राशि उनके 10वें भाव में मिथुन राशि। तो देखिए, बुध देव को 2 भाव, एक तो लग्न का और एक 10वां भाव। 10वां भाव अत्यंत महत्वपूर्ण क्योंकि ये आपके कर्म को दर्शाता है, रोजगार को दर्शाता है, व्यापार को दर्शाता है, मान सम्मान को दर्शाता है, और पहला भाव आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है, आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। अब बुध देव का प्लेसमेंट देखना जरूरी होगा, तो बुध देव बैठे 4थे भाव पे जो कि तमाम सुख को दर्शाता है। तो यहां पे जातक बुद्धिमान होगा, जातक बहुत बुद्धिमान, बहुत अच्छी भाषा बोलने वाला, पैतृक सुख, माता का सुख, जिंदगी के अंदर बुध की दशांतर दशा में अंदर मकान वाहन तमाम सुख को प्राप्त करने वाला, जातक की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी, यारदास बहुत अच्छी, और बुध की दशांतर दशा के अंदर जातक को व्यापार बहुत अच्छा, जातक का व्यापार बहुत अच्छा होगा। और अगर जातक कॉमर्स के क्षेत्र में हो, मार्केटिंग के क्षेत्र में हो या फिर अकाउंट के क्षेत्र में हो, इन सभी क्षेत्र के अंदर जातक को बहुत फायदा होगा, बैंकिंग क्षेत्र में बहुत अच्छा, मीडिया क्षेत्र में बहुत अच्छा। तो बुध की दशा जातक के लिए बहुत ही अच्छी होगी, बुध की दशांतर दशा के अंदर जातक का बहुत फायदा होगा, भाग्य भी जातक का साथ देगा, व्यापार और नौकरी की दृष्टि से बहुत अच्छा। तो बुध इस कुंडली के अंदर कारक बने, कारक उनकी दशा में जातक को फायदा होगा। डिग्री और देखनी होगी, किशोर अवस्था में, पूर्ण किशोर अवस्था में और भी फायदा देंगे। अब दूसरे भाव में चलते हैं, 7 लिखा है, 7 का मतलब तुला राशि, स्वामी हुए शुक्रदेव। शुक्रदेव लग्नेश के मित्र हैं और शुक्रदेव की 2 राशि होती है, एक तुला और एक वृषभ, दोनों भाव बहुत अच्छे। ये आपका धन भाव हो गया, ये भाग्य भाव। अब शुक्र का प्लेसमेंट देख लीजिए, क्योंकि देखिए धन भाव मिलने के कारण, भाग्य भाव मिलने के कारण बुध देव की जो ये कुंडली है यानी कन्या लग्न, कन्या लग्न के अंदर शुक्रदेव अत्यंत कारक माने जाते हैं क्योंकि उनको 2 भाव बहुत अच्छे मिले। अब प्लेसमेंट देखना जरूरी होगा, तो शुक्रदेव बैठे हैं 10वें भाव में अपनी मित्र की राशि में, तो यहां पे शुक्रदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, जातक को धनवान होगा। शुक्र की दशांतर दशा में जातक को अपने व्यापार से फायदा होगा, अपने परिवार से फायदा होगा, बहुत अच्छी वाणी होगी जातक की, समझदार होगा, जातक को कुटुंब के साथ सुख मिलेगा, कुटुंब से प्यार करने वाला होगा, और साथ ही साथ शुक्र जो है, शुक्र की दशांतर दशा के अंदर व्यापार भी बहुत अच्छा होगा, लेडीज रिलेटेड वर्क या कोई भी सौंदर्य से रिलेटेड काम होगा उसमें जातक को फायदा होगा। शुक्र की दशांतर दशा में जातक को भाग्य का साथ मिलेगा, पिता के साथ व्यापार को बढ़ाने का योग दर्शाता है, पिता से प्यार करने वाला और बड़ों को मान सम्मान देने वाला, और शुक्र की दशांतर दशा जातक का भाग्य नहीं बदलेगी बल्कि धन की भी जातक को कमी नहीं होगी। तो शुक्र भी कुंडली के अंदर योग कारक हुए। आगे चलते हैं दोस्तों, तीसरा भाव परिश्रम को दर्शाता है, 8 लिखा है, 8 का मतलब वृश्चिक राशि, स्वामी मंगल। मंगल और बुध में आपस में मित्रता नहीं होती है। अब
तीसरा भाव भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं। अब देख लेते हैं बुध का प्लेसमेंट, माफ कीजिए मंगल का प्लेसमेंट। तो मंगल का प्लेसमेंट एक परिश्रम का और एक आठवां भाव जो कि बाधा को दर्शाता है, मृत्यु तुल्य कष्ट, बाधा परेशानी, बड़ी समस्याएं और बड़ी बीमारी। तो ये मिली किसको? मंगल को। मंगल का प्लेसमेंट छठे भाव में, तो यहां पे वो रोग भाव में बैठे हुए हैं। तो यहां पे मंगल अत्यंत मरक हुए, मंगल की दशा अंतरदशा जब तक को फायदा नहीं देगी, परिश्रम बहुत करवा के उलझाएगी, परिश्रम के बाद भी जब तक को रिजल्ट अच्छा नहीं, छोटे भाई बहनों से हमेशा टकराव रहेगा, दिक्कत बनी रहेगी, जातक का जो पराक्रम होगा परिश्रम होगा उसके बाद अच्छे रिजल्ट नहीं होंगे। हो सकता है कि जो पराक्रम कर रहा हो उसको सही डायरेक्शन में ना जाए। मंगल यहाँ पे बैठने के बाद जातक को भूमि को लेकर दिक्कत बना सकते हैं, जातक को ईएमआई या कर्जा में फंसा सकते हैं, गुप्त शत्रु जातक के बहुत होंगे, पेट की समस्या जातक को बहुत मिलेगी। भूमि को लेकर कोर्ट कचहरी में भी कभी कभी जातक के योग बनते हैं कोर्ट कचहरी में जाने को, भूमि को लेकर यहाँ पे राहु बैठे तो अंगारक योग बनने के कारण जातक अत्यंत क्रोधी भी बनेगा और भूमि को लेकर जातक कुछ समस्याएं आ सकती हैं। तो मंगल इस कुंडली के अंदर अच्छे नहीं होंगे, जहां दृष्टि दे लेंगे वहां पे भी, जहां दृष्टि वहां का भी फायदा नहीं, अब भाग्य का भी साथ नहीं मिलेगा, व्यय बहुत होगा और जातक गुस्से किस्म का भी होगा, तबीयत भी नरम गरम रहेगी। तो मंगल कुंडली के अंदर मारक। आगे चलते हैं दोस्तों, चौथा भाव क्या लिखा है? नौ। नौ का मतलब धनु राशि, स्वामी बनते गुरुदेव। गुरुदेव की भी दो राशि, एक मिला उन्हें तमाम सुख और एक विवाह की, सातवां भाव जो कि विवाह की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, सप्तम भाव। तो चतुर्थ और सप्तम भाव मिले हैं गुरुदेव को। गुरुदेव लग्नेश के मित्र तो नहीं होते हैं, पर दो भाव केंद्र के मिले इसलिए उनका प्लेसमेंट देखना जरूरी होगा। उन्हें दो भाव अच्छे मिले और वो ऊंच के होके 11वें भाव में बैठे हैं इच्छा पूर्ति कराने के लिए। तो जातक की तमाम जो इच्छा होगी जो उसकी पूर्ति करा देंगे, अनसर्टेन गेन होंगे। संतान की दृष्टि से बहुत अच्छा, पहले पुत्र का योग, अच्छी पढ़ाई करने वाला, अच्छी शिक्षा प्राप्त करके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला, बड़े भाई बहनों से और छोटे भाई बहनों से जातक को फायदा, मित्रों का सहयोग और साथ साथ जातक का वैवाहिक जीवन का सुख, जातक को वैवाहिक जीवन के बाद फायदा मिलेगा। तो गुरु भी इस कुंडली के अंदर अत्यंत कारक हुए, योग कारक हुए, गुरु की दशा दशा के अंदर मान सम्मान और जातक को धन ऐश्वर्यशाली जीवन ये तम सब प्राप्त होगा। तो गुरु भी कुंडली के अंदर अत्यंत कारक बनते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, पांचवा भाव लिखा है दस। दस का मतलब मकर राशि, शनि देव की राशि है। शनि देव की भी दो राशि होती है, मकर और कुंभ। एक भाव अच्छा नहीं छटा, पर त्रिकोण का एक भाव मिलने के कारण, लग्नेश के मित्र होने के कारण शनि देव भी कुंडली के अंदर कारक हुए, अच्छे रिजल्ट देंगे। अब प्लेसमेंट देखना भी जरूरी होगा। तो शनि बैठे हैं मित्र राशि के अंदर, हालांकि यहाँ पे चंद्र के साथ विष दोष बना रखा है, मन को जरूर प्रभावित करेंगे, पर शनि की दशा अंतरदशा यहाँ जातक के लिए बहुत फायदेमंद होगी। भाग्य का साथ मिलेगा जातक को, भाग्य का साथ साथ मिलेगा। हालांकि यहाँ पे मित्र राशि में है और ये धर्म का भी भाव माना गया है, पर जातक धर्म में इतनी रुचि नहीं देगा। शनि यहाँ पे बैठे तो धर्म प्रैक्टिकल जरूर होगा, दिल का बुरा नहीं होगा और पिता के साथ जातक का सहयोग अच्छा होगा, पैतृक संपत्ति का सुख जातक को मिलेगा, लोहे के व्यापार से जातक को फायदा होगा, जातक पराक्रमी होगा, परिश्रम करने वाला होगा, धीरे धीरे अपने भाग्य को बढ़ाने वाला होगा, जातक की इच्छा पूर्ति, जातक की जो इच्छा होगी वो पूर्ति होगी, पर डिले से, क्योंकि शनि विच्छेद कराते हैं। तो शनि भी कुंडली के अंदर कारक हुए। आगे चलते हैं दोस्तों, ये भाव हो गया, ये भाव हो गया, ये भाव हो गया, ये भाव हो गया, 11वां भाव। 11 में लिखी है ये आपका लाभ भाव है, इसमें चार लिखा है, चार का मतलब कर्क राशि, स्वामी हुए चंद्रमा। अब चंद्रमा का प्लेसमेंट देखिए, चंद्रमा शनि के साथ बैठे हुए हैं, हालांकि यहाँ पे विष दोष बनाए हुए हैं, पर भाग्य भाव से इसका संबंध बन गया, तो यहाँ पे और ऊंच के भी हो गए चंद्रमा, तो यहाँ पे मन को तो जरूर प्रभावित करेंगे, मानसिक रूप से पीड़ा तो जरूर होगी, पर चंद्रमा की दशा अंतरदशा में जातक को फायदा होगा, माता से प्यार करने वाला होगा और जातक की इच्छा पूर्ति होगी, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा जातक का कम होगा क्योंकि शनि बैठे हुए हैं, तो थोड़ा मानसिक रूप से थोड़ा जातक का कॉन्फिडेंस कम हो सकता है, पर इच्छा पूर्ति में लाभ में भी दिक्कत नहीं होगी जातक को। तो चंद्र भी कुंडली के अंदर कारक बने। अब देखिए राहु केतु को आपको समझना है, कुंडली के अंदर कन्या लग्न के अंदर वो कारक तो होते हैं, पर छठा आठवां बारवां त्रिक भाव होता है, तो यहाँ पे राहु केतु ने
यहां से वास्ता बनाने के कारण जातक को व्यापोत होगा, जातक को पेट की तकलीफ, रात को नींद ना आना, मानसिक और शारीरिक पीड़ा दे सकते हैं यहाँ पे राहु और केतु जब उनकी दशांतर दशा जब आएगी। तो देखिए दोस्तों कन्या लग्न के बारे में मैंने आपको संपूर्ण बताया, क्योंकि कुंडली के अंदर बुध शुक्र शनि गुरु और चंद्रमा ये कारक ग्रह मानते हैं, तो आप ये समझ लीजिए बुधवार शुक्रवार शनिवार बृहस्पतिवार कुंडली ये दिन जातक के लिए अच्छे होंगे। अब जो रत्न बनेंगे वो पन्ना हीरा नीलम पुखराज, ये रत्न वो पहन सकते हैं, पर जो कॉम्बिनेशन बनेगा पन्ना हीरा नीलम, पन्ना ओपल नीलम, ये तीन एक रत्न एक साथ पहन सकते हैं। किसी किसी कंडीशन के अंदर पुखराज और हीरा ये दो रत्न भी एक साथ पहने जा सकते हैं, पर पुखराज के साथ नीलम या ओपल नहीं धारण किया जा सकता। तो चार रत्न ये कुंडली में आप अगर इन अगर प्लेसमेंट ग्रहों का अच्छा है तभी पहनिएगा, ये उदाहरण कुंडली के माध्यम से बता रहा हूं मैं। अगर किसी का प्लेसमेंट खराब हो गया तो कुंडली के अंदर कोई जैसे बुध शुक्र और शनि कन्या लग्न के अंदर अच्छे माने जाते हैं पर प्लेसमेंट खराब है तो भी इनके रत्न आप धारण नहीं करेंगे। 5, 6, 8, 3 ये दिन ये तिथि आपके लिए बहुत अच्छे हैं जिसमें आप काम करोगे तो फायदा होगा। हरा नीला येलो ब्लैक व्हाइट ये कलर पहनेंगे तो फायदा होगा, खासतौर से ब्लू और ग्रीन ये कलर आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। तो दोस्तों क्योंकि इसलिए ग्रीन जो है बुध का होता है, येलो बृहस्पति का, ब्लू ब्लैक ये शनि ग्रह के माने जाते हैं और व्हाइट जो है शुक्र का, और पिंकिश कलर में अगर आप देखेंगे तो चंद्र का भी, तो इसलिए ये कलर आपके लिए अच्छे माने जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।